योग दिवस के अवसर पर मैं वीरेंद्र चौहान कुछ योग क्रियाएं आपको बताता हूं। बैठने के लिए तीन आसन है, एक आसन पद्मासन कहते हैं, दूसरा सिद्धासन, तीसरा सुखासन। जैसे हो वैसे बैठ जाइए। किसी आसन में बैठने के बाद ये पांच उंगलियां हैं, ये पांचों पंच तत्व के प्रतीक है। जैसे ये अग्नि का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, ये आकाश का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये जल का प्रतीक है। जल का प्रतीक के लिए सबूत, अगर कोई बच्चा 7-8 बरस का, 10 बरस का हो गया और बेड पर पेशाब करता है तो 2 मिनट उसका ये उंगली, कानी उंगली आप दबाएं, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, ये उंगली को भी 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, तो वो बेड पर पेशाब करना बंद कर देगा। हम लोग जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो टीचर से छुट्टी मांगते थे लघु शंका करने के लिए, जा रहा हूँ सर, इसका मतलब लघु शंका के लिए जा रहा हूँ, मैंने जल का प्रतीक। अब आजकल ज़्यादा लोग गैस से पीड़ित हैं, इसलिए किसी भी आसन में बैठ के आप अग्नि को वायु से मिलाकर 3 उंगलियां सीधा करके बैठे। बैठने के बाद मैं सुखासन में बैठ गया, या सिद्धासन में बैठना है तो ये दाहिना पैर को इसके बीच में, बायां पैर यहाँ इसके बीच में, ऐसे करके बैठे, ये हो गया सिद्धासन। अब सबसे पहले प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें इस क्रिया में पूरा सांस एक पसली में भरना है, पूरा सांस भरना है और सारा का सारा सांस निकालना है। ये हो गया भस्त्रिका, इसको कम से कम 5 मिनट करें। दूसरा प्राणायाम कपालभाति, इसमें पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगा। इसकी गति होनी चाहिए 1 मिनट में 60 बार, यही क्रम से ये प्राणायाम 10 मिनट करना चाहिए। तीसरा अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नाक को बंद कीजिए, बाएं से सांस खींचिए, फिर उसको बंद करके दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिना से खींचिए, फिर बंद करके बाएं से छोड़िए, यही क्रम 10 मिनट इसे भी करना है। चौथा प्राणायाम, चौथा भ्रामरी कहलाता है, जिसमें अंगूठा से दोनों कान बंद करके 3 उंगलियां आंख पर रख के, मेन उंगली को माथे पर रख के सांस खींच के ओम बोलते हैं।
इसके बाद फूंक गीत, जिसमें मुंह खोल के ओम बोलते हैं। ओम बोलने में अगर 20 सेकंड टाइम लेते हैं तो 15 सेकंड आप ओ बोले, 5 सेकंड में मां करके समाप्त करें। जैसे देखिए, ओ इसके बाद आप हथेली को कस के रगड़ें और आंख पर रखते हुए आंख खोलते हैं। ये 5 प्राणायाम जो कोई कर लेगा वो सारा जिंदगी निरोग रहेगा। इसमें जितनी बीमारियां हैं सबको ठीक करने का ये मिला जुला के पावर है। 5 प्राणायाम, 5 ऊपर का सूक्ष्म व्यायाम और 5 नीचे का सूक्ष्म व्यायाम, इतना कर ले तो उसकी जिंदगी 100 बरस की होगी। ऊपर का सूक्ष्म व्यायाम उसको इस अंगूठे को ऐसे बंद करके 10 बार इसको इस तरह से, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। तो पहला हो गया, दूसरा इसको 10 बार आगे से, और 10 बार पीछे से। जब पीछे ऐसे जाएं तो सांस लेते हुए, और फिर आगे आए तो सांस छोड़ते हुए। आगे से जब करें तो सांस लेते हुए और पीछे जाएं तो सांस छोड़ते हुए। ये दूसरा हो गया। तीसरा प्राणायाम, तीसरा सूक्ष्म व्यायाम, दस बार ऐसे और 10 बार वापस। तीन सूक्ष्म व्यायाम हो गया। चौथा, हाथ को इंटरलॉक करके पीछे ले जाएं, ये सर से पीछे की ओर ताकत लगाएं और इंटरलॉक हाथ से आगे की ओर, इतना बराबर ताकत दोनों में लगाएं कि माथा में सर में कंपन होना शुरू हो जाए। सांस अंदर भरते हुए एक बार देखो, वहां देखो सामने एक बार ये कर लिया, फिर आगे से उसके विपरीत दिशा, फिर दाहिने से इधर से ताकत लगाएं, इसको इधर ताकत लगाएं, बराबर का ताकत हो, माथा में कंपन होने लगे। फिर एक बार इधर से पूरा सांस भर के, चौथा, फिर पांचवा, एक बार इधर से, फिर एंटी क्लॉकवाइज।
ये पांच सूक्ष्म व्यायाम ऊपर का हुआ, अब नीचे का पांच सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं। हो गया।